यार दोस्तों दोस्तों आपने सबने टाइटल पढ़ लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा, वीडियो किसके ऊपर बनने वाली है। मुझे दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट फोर्थ क्लास जो चपरासी की वैकेंसी आई थी उसके ऊपर वीडियो बनने वाली है, क्योंकि मुझे दोस्तों बहुत सारे कमेंट मिले हैं राजस्थान हाई कोर्ट फोर्थ क्लास से लेकर। तो आपके सभी कमेंटों को ले आया हूँ। उससे पहले चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को आपके जो भी दोस्त उनके साथ शेयर कर देना। आपको मैं दोस्तों बता दूं, आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करके बोल सकते हो, मैं जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ दोस्तों जो कमेंट, पहला कमेंट है पेपर में क्या करंट जीके आएगी या नहीं आएगी, क्या हमको पास करने के लिए पेपर पास करने के लिए करंट जीके पढ़नी पड़ेगी या नहीं पढ़नी पड़ेगी, करंट अफेयर्स पढ़नी पड़ेगी या नहीं पढ़नी पड़ेगी, इस पर मैं बात करने वाला हूँ। आगे है पास होने के लिए लगभग कितने नंबर चाहिए, ठीक है उसके बारे में मैं बताऊंगा दोस्तों, जो आप नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख रखा है उसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा मेरिट कम जाती है या ज़्यादा जाएगी इसके बारे में बताऊंगा, और एग्जाम कब लगेगी, इन सभी टॉपिकों को दोस्तों मैं अध्ययन करूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पहले चलता हूँ दोस्तों, पहले टॉपिक है पेपर में करंट जीके आएगी या नहीं आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जब आपका नोटिफिकेशन आया था, जब आपका ऑफिशियल सिलेबस आया था, उसके अंदर कहीं भी करंट जीके को दोस्तों नहीं बताया गया है, करंट जीके को कहीं भी इंक्लूड नहीं किया गया है। आपको मैं सिलेबस बता देता हूं एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं, आपके पेपर में दोस्तों 85 नंबर का पेपर होगा और 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, 15 नंबर का इंटरव्यू, 85 नंबर का पेपर होगा। पेपर आपका 2 घंटे का होगा, कितने घंटे का दोस्तों, 2 घंटे का पेपर होगा। अब प्रश्न कितने आएंगे, तो प्रश्न आने वाले हैं 85, पेपर में कितने प्रश्न आएंगे, 85 प्रश्न आएंगे। अब आपको बता दूं कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाने वाले हैं, दोस्तों हिंदी पूछी जाएगी, अंग्रेजी पूछी जाएगी, और इसके अलावा राजस्थान की कला संस्कृति में दोस्तों, राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान की बोलियां, आपको पूरी राजस्थान जीके नहीं पढ़नी है, क्योंकि आपका दोस्तों सिलेबस में क्या लिख रखा है, राजस्थान की संस्कृति व राजस्थान की बोलियां। अब इनसे कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में आपको बता देता हूं। हिंदी के दोस्तों आपसे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 नंबर के, एक प्रश्न एक नंबर का होगा। हिंदी में आपसे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आप दोस्तों पटवारी की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान एसआई की तैयारी कर रहे हो, तो यूं मान लो दोस्तों आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो गई होगी, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी हिंदी पूछी जाती है और यहां पर भी आपसे हिंदी ही पूछी जाएगी। तो 40 प्रश्न आने वाले हैं हिंदी के। इसके अलावा अंग्रेजी के 25 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे दोस्तों, अंग्रेजी के, इंग्लिश के 25 प्रश्न आएंगे, और राजस्थान जीके, राजस्थान संस्कृति, राजस्थान की बोली के 20 प्रश्न आएंगे। कुल मिलाकर आपको दोस्तों 85 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। अब दोस्तों जो आपका नोटिफिकेशन आया था, जो सिलेबस आया था, उसके अंदर कहीं भी दोस्तों करंट अफेयर्स का जिक्र नहीं किया गया है, वहां पर आपको करंट जीके के बारे में नहीं बताया गया है दोस्तों। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको बता दूं, करंट जीके आपको पढ़ लेनी है, कोई पता नहीं ये राजस्थान सरकार है, लेकिन आपको बता दूं यहां पर सिलेबस के अंदर और जो आपका दोस्तों ऑफिशियल सिलेबस आया था उसके अंदर कहीं भी आपको करंट जीके का जिक्र नहीं किया गया है। तो मैंने आपका ये डाउट खत्म कर दिया दोस्तों, करंट जीके का सिलेबस में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया, इसलिए करंट जीके की आप ज्यादा टेंशन मत लो, आप तो इन 3 सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करो दोस्तों, 3 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाने वाले। तो मैंने आपका एक डाउट क्लियर कर दिया। दूसरा डाउट है पास के लिए कितने नंबर चाहिए हमको, मतलब कि इंटरव्यू में बैठने के लिए कितने नंबर चाहिए और फाइनली सिलेक्शन के लिए कितने नंबर चाहिए, इस पर भी मैं बात करने वाला हूँ। पहले मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए, कि इंटरव्यू के लिए दोस्तों आपको कितने नंबर चाहिए, जब आपके कितने नंबर आएंगे तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो आपको बता दूं दोस्तों, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख रखा है कि साक्षात्कार के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग श्रेणियों के अभ्यर्थियों को दोस्तों कम से कम कितने नंबर जरूरी है साक्षात्कार के लिए, बता रहा हूं मैं, 34 अंक लाना जरूरी है, और अन्य श्रेणी के जो भी दोस्तों अभ्यर्थी हैं उनको दोस्तों 38 अंक लाना जरूरी है, ठीक है। कितने नंबर, मैं पेपर में लाना बता रहा हूं दोस्तों, यदि पेपर में आपके इतने नंबर है तो आपको किसके लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आपके जो नोटिफिकेशन आया तो उसमें लिख रखा है कि साक्षात्कार के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग श्रेणियों को कितने नंबर लाना जरूरी है पेपर में दोस्तों, आप
आपको 34 अंक लाना जरूरी है पेपर में, इसमें पेपर में 34 अंक लाना जरूरी है। और जो भी अन्य श्रेणी के दोस्तों जो अभ्यर्थी हैं उनको कम से कम 38 अंक लाना जरूरी है। कितने दोस्तों? 38 अंक लाना जरूरी है। किसके लिए बोल रहा हूं मैं? साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए बोल रहा हूं। इंटरव्यू के लिए दोस्तों ये लिख रहा है, मैंने आपको बता दिया कि इंटरव्यू में बैठने के लिए कम से कम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग को तो कितने लाने हैं? 34 अंक लाने हैं। और सभी अन्य श्रेणी के दोस्तों अभ्यर्थियों को 38 अंक लाना जरूरी है। किसके लिए? साक्षात्कार के लिए। अब मैं आपको बता दूं फाइनली सिलेक्शन के लिए दोस्तों, फाइनली सिलेक्शन के लिए आपको लिख रहा है इसमें पास के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दिव्यांग अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में कुल 40 अंक और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को 45 अंक प्राप्त करने होंगे। ठीक है, प्राप्त करने होंगे। तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग श्रेणियों के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा और लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में कितने नंबर लाने जरूरी है दोस्तों? 40 अंक लाना जरूरी है। और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को कितना नंबर लाना जरूरी है? 45 अंक लाना जरूरी है। मैंने आपको बता दिया दोस्तों, अब आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि पास होने के लिए कितने नंबर लाना जरूरी है। आगे चलता हूं, मेरिट कम या ज्यादा, तो आपको दोस्तों मैं पहले बता चुका हूं, पहले पेपर से पहले मेरिट के बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आपको सबको पता होगा फोर्थ क्लास की वैकेंसी है, किसकी है? चपरासी की वैकेंसी है। जिस बंदे की 10वीं बारहवीं में अच्छी परसेंटेज थी, वो अच्छी मेहनत कर रहा है, तो दोस्तों वो बंदे क्या करते हैं? पेपर तो देते हैं, पेपर में पास भी हो जाते हैं, लेकिन अंतिम समय में दोस्तों वो क्या करते हैं? जॉइनिंग नहीं लेते हैं। किसी दोस्तों फोर्थ क्लास की जॉइनिंग नहीं लेते हैं, इसलिए बोल रहा हूं पेपर से पहले मेरिट या दोस्तों नंबर बता पाना मुश्किल है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, आपको ज्यादा फोकस करना है तीन सब्जेक्ट पे। किस पे? हिंदी पे, अंग्रेजी पे और राजस्थान की संस्कृति पे। ठीक है, इंटरव्यू के बाद का काम है दोस्तों, इंटरव्यू में आपसे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको यहां पर अच्छे नंबर लाना जरूरी है। 85 नंबर का पेपर होगा, 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो मैंने आपको बता दिया मेरिट कम जाएगी या ज्यादा। दोस्तों मेरिट ज्यादा नहीं जाती, आपको पता होगा मेरिट ज्यादा नहीं जाती है इसकी, इसलिए बोल रहा हूं यदि आपको चाहत है नौकरी की दोस्तों, तो आपको नौकरी मिल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ तीन सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थान की संस्कृति। इसमें राजस्थान पूरी जीके पढ़ना आपको जरूरी नहीं है, राजस्थान की संस्कृति और प्रमुख बोलियां आपको दोस्तों सिलेबस में साफ साफ लिख रहा है। तो मैंने आपका यह डाउट भी क्लियर कर दिया, मेरिट कम जाएगी या ज्यादा। दोस्तों मेरिट कम ही रहने वाली है, कोई कुछ भी बोले, जब रिजल्ट आएगा सबको पता लग जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं आप ज्यादा टेंशन मत लो कि पद तो इतने से हैं, इतने बारे फॉर्म भरे गए हैं, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको एक पोस्ट चाहिए आपकी, ठीक है, आपको एक पोस्ट चाहिए, आपको एक पोस्ट से मतलब है, तो आप इसकी तैयारी करो। ठीक है, तैयारी करो, पेपर ज्यादा कठिन नहीं आएगा, याद रखना पेपर ज्यादा कठिन नहीं आएगा। तो सबको पता है 10वीं पास वैकेंसी है, फोर्थ क्लास की वैकेंसी है, ग्रुप डी की वैकेंसी है, चपरासी की वैकेंसी है, तो पेपर भी दोस्तों उसी के हिसाब से आने वाला है, तो घबराओ मत। ठीक है, आप तो प्रिपरेशन करो, तैयारी करो जोरदार तरीके से। अब बहुत बंदे इंटरव्यू से घबरा रहे हैं, आपको इंटरव्यू से नहीं घबराना है, इंटरव्यू में नॉर्मल होगा, क्योंकि सबको पता है फोर्थ क्लास की वैकेंसी है, इंटरव्यू नॉर्मल होता है। तो मैंने आपको बता दिया ज्यादा फोकस करना है इन तीन सब्जेक्ट के ऊपर दोस्तों। ठीक है, यही मेरी रणनीति है, यही मेरा सब कुछ है। आपको यदि नौकरी लगनी है इसमें अच्छे नंबर लाने होंगे यहां पर दोस्तों, पेपर में यदि अच्छे नंबर आ गए तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। आगे बता दूं एग्जाम, आखिर इसकी एग्जाम कब होगी दोस्तों? आपको सबको पता चल गया होगा, अब वो दोस्तों खबर आनी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, एग्जामों की खबर आना स्टार्ट हो चुकी है, आपको सबको पता होगा स्टेनोग्राफर की एग्जाम कुछ ही दिनों में होने वाली है, इसलिए बोल रहा हूं अब ज्यादा समय नहीं मिलेगा, आप इसकी प्रिपरेशन चालू कर दो, अभी तक भी नहीं करिए ना, तो इसकी तैयारी जारी रखो और घबराओ मत, आप जोरदार तरीके से तैयारी जारी रखो। तो मैंने एग्जाम के बारे में बता दिया, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे दोस्तों, जैसे इसका कोई ऑफिशियल न्यूज आएगी मैं सबसे पहले आपको दोस्तों वीडियो बनाकर उपलब्ध करा दूंगा। इसलिए और जो बंदा पढ़ने वाला है ना, वो कभी एग्जाम डेट को नहीं देखता, वो सिर्फ ये देखता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ, कहीं मेरा कोई टॉपिक अधूरा तो नहीं रह गया। तो आपको टॉपिक क्लियर करना है, एग्जाम के ऊपर ध्यान नहीं देना। एग्जाम कब लगेगी? लगेगी जब आपसे फॉर्म भरवा लिए गए हैं, सब कुछ हो गया है, तो आपकी एग्जाम भी जरूर लगेगी।
जैसे कोई ऑफिशियल न्यूज आती है एग्जाम डेट से संबंधित, सबसे पहले वीडियो बनाकर मैं उपलब्ध करा दूंगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को जो भी आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करके बोल सकते हो, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश भी करूंगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।